चलो समझो पहले सभी लोग। देखो आज की क्लास में हम बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें बेसिक पॉइंट्स पता हैं, पर हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं, क्या चीज़ें पढ़नी हमें, क्या चीज़ें पता हैं, और किन चीज़ों के थ्रू हमें जो पढ़ना है, ये लाइट सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो कि तुमने आज से पहले नहीं पढ़े हैं। तुमने आज से पहले नहीं पढ़ा है तो तुम उनको, मतलब तुम्हें पता है पर उनका तुमने लॉजिकल रीजन नहीं समझा, तो तुम्हें वो अपने आप से लिखने हैं, अपने आप से। मैं नहीं लिखाने वाला, ध्यान रखना, अपने लिखी हुई, अपने हाथ से लिखी चीज़ें हमेशा याद रखती हैं, तो तुमको अपने आप लिखनी है। देखो हम अगर जनरली अपनी लाइफ को सोचें, सेंसेशन को सोचें, अगर कि हमारी लाइफ में सेंसेशंस क्या होते हैं, कि ह्यूमन बॉडी है अपनी, जब बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, गॉड ने गिफ्ट दिया है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ें अगर हम बात करें तो दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक चीज़ निकल के आती है सुनाई देना, और एक दिखना, मतलब ऑब्जर्विंग, या फिर दिखना और सुनाई देना। ये दो बेसिक सी बातें हैं जो हमारी लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो किसके थ्रू होती है ये भी तुम जानते हो। एक होता है साउंड के थ्रू और एक होता है लाइट के थ्रू, ठीक है। एक होता है साउंड के थ्रू और एक होता है लाइट के थ्रू। यार ये आखिर ये चीज़ें हैं क्या, मतलब ये चीज़ें हैं क्या, मतलब लाइट है क्या, साउंड है क्या। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये सारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तुम क्लासरूम में बैठे हुए मेरे साथ में, मैंने बोला तुमको सुनाई दे गया, तुमने सुन के तुरंत बोला कि खूसड़ आदमी बोला है अभी कुछ, ठीक है। तो वह हुआ क्या, एनर्जी यहाँ से तुम तक पहुँच रही है, कुछ एनर्जी हमसे निकली तुम तक पहुँची, ठीक। और हमने जैसे ही कमरे में लाइट जलाई, बिल्कुल अंधेरा है, तुम्हें दिखना स्टार्ट हो गया, क्या हुआ, कहीं से एनर्जी निकली और तुम्हारी आंखों तक पहुंची और तुम्हारी आईज ने सेंसेशन किया और देख लिया। क्या चल क्या रहा है वहां पे, आखिर ऐसी है क्या चीज जो ट्रांसफर कर रही है और हमें दिख रही है, हमें सुनाई दे रहा है। तो सारा खेल हमें क्या दिख रहा है, कि सारा खेल किसका है, एनर्जी का। हर जगह सारा खेल एनर्जी का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी हमने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक एनर्जी, तुम्हारा एनर्जी का सोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक एनर्जी का सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एनर्जी है जिसको हम फील कर सकते, देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते। तो हमें एक चीज़ ये पता चल रही है कि ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये सारा कुछ खेल जो है वो हमारा एनर्जी का है। पूरा पूरा जो खेल है वो सब एनर्जी का खेल है हमारा, ठीक। लेकिन एनर्जी जाती कैसे है, जल्दी बताओ, एनर्जी कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह, किसके हेल्प के थ्रू? नो, नॉट विद द हेल्प, नहीं, मीडियम नहीं, विद द हेल्प ऑफ वेव्स। मीडियम तो एक अलग चीज हो गई, मीडियम तो हम बाद में आएंगे। हमारे पास कोई कैरियर तो होना चाहिए एनर्जी को ले जाने वाला, कैरियर ही नहीं है तो मीडियम बना रहे, क्या मतलब है? कोई एक कैरियर होना चाहिए एक जगह से दूसरी चीज को ले जाने वाला। तो वो कैरियर हमारे पास क्या है, वो कैरियर हमारे पास है वेव। अच्छा चलो एक बात बता, सभी लोग बताओ मुझे, कमरा है, तुम लोग बैठे हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, तुम्हें सुनाई दे रहा है, सब लोग मस्ती से पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमने एकदम से कमरे में वैक्यूम कर दिया, तो तुम्हें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा तुम्हें? सुनाई देगा? हम बोलेंगे तुमको ऐसे देगा, सिर्फ दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। तो एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है कि एनर्जी का भी अपना खेल है। किसी टाइप की एनर्जी किसी मीडियम पे डिपेंड कर रही है चलने के लिए, और किसी में कुछ ऐसा है कि मीडियम ले नहीं जा पा रहा है उसको। तो यहाँ पर हमारे पास लाइट की जो एनर्जी है वो तो समझ में आ रहा है कि बिना मीडियम के चली जाती है, मतलब कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी उसमें, लेकिन जो हमारे पास एनर्जी साउंड की है वो बिना मीडियम के नहीं जा रही, ये चीज़ तुम्हें पता है, ठीक। तो लाइट हमारी जो है विदाउट मीडियम चल जाती है, लेकिन साउंड हमारा विदाउट मीडियम
नहीं चल पाए, मतलब विद एंड विदाउट मीडियम इस बिल्कुल चलने के लिए सक्षम नहीं, हमें सुनाई नहीं देगा बिल्कुल भी, हम बस तुम्हें ये दिखेगा कि हाँ कोई मुंह ऐसे 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 हिला रहा है। थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं रस्सी का, ये बहुत बेसिक बातें बिल्कुल होंगी आज, ठीक है। अच्छा, इसके नोट्स वगैरह हम नहीं बनाएंगे, नोट्स हम बनाएंगे जब रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो तुम्हें जैसे समझ में आता है डेरिवेशन वगैरह वो सब हम करते जाएंगे, बाकी जब रेगुलर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे तो हम अच्छे से, अभी तुम बिल्कुल इनिशियल लेवल से अच्छे लेवल तक पहुँचोगे फील करते हुए। देखो बात समझो, अगर हमने रस्सी पकड़ी अपने एक हाथ में, ठीक है, रस्सी पकड़ी, अच्छा तुम्हारे सिलेबस में जो वेव है वो वेव सिर्फ एक ही बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है, वो है SHM। बाकी वेव्स भी पढ़ाई जाती हैं लेकिन मेन हमारी जो आती है SHM। तो पहली बात तो वेव का मतलब, पढ़ते रहो बेटा, सीधी क्वेश्चन नहीं है, अभी पढ़ते रहो, अभी बाद में हो सकता है तुम्हें जरूरत ना पड़े नोट्स बनाने की। वेव्स, पहली बात तो वेव्स का मतलब क्या हो गया, एनर्जी को कैरी करके लेकर जाने वाला, ध्यान रखना। तुमसे कोई पूछे व्हाट इज वेव, तो वेव एक एक ऐसी चीज है जो एनर्जी को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। तो अब यहाँ पर हम एक रस्सी का एग्जांपल ले रहे, जैसे रस्सी हमने ले ली, ठीक। अब सोचो जरा बात को, हमने यहाँ रस्सी पकड़ी और एक सिरा तुम्हारे हाथ में थमा दिया हमने, और हमने दूसरी रस्सी एक दूसरे में पकड़ी, या दोनों हाथ से हमने रस्सी पकड़ी, ठीक है, और तुम्हारे हाथ में भी दोनों सिरे हैं उसके, एक रस्सी है लूज और एक रस्सी है टाइट, हमने यहाँ झटका दिया और यहाँ भी सेम झटका दिया दोनों तरफ से, तो कौन से वाले में तुम्हें पहले झटका महसूस होगा, टाइट वाले में या लूज वाले में? कॉमन सेंस की बात है, टाइट वाले में। तो क्लियर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि मीडियम पे डिपेंडेंसी है उसकी, इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज, हमने जिस चीज में हम मूवमेंट करा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज, मीडियम इन सब में डिपेंडेंसी है हमारी। दूसरी चीज, एक चीज सोचो, हमने यहाँ से रस्सी पकड़ी, रस्सी को ऐसे झटका दिया, जब ऐसे हमने झटका दिया तो एक वेव ऐसे 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 करते हुए तुम्हारे पास तक पहुंची, आखिरकार गया कौन, वेव गया या फिर पार्टिकल गया, कौन गया, वेव चली या पार्टिकल चला या एनर्जी चली, कौन चला? एनर्जी चली, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी यहां से पहुंची दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ जो हमारे हाथ में पार्टिकल था वो उसी जगह पर है, वो कहीं नहीं गया, वो कहीं पर भी नहीं गया, क्योंकि ये बेसिक बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। तो हम अगर एक वेव को बनाए ऐसे, ये तो यहाँ पर अगर हम बी लिख रहे हैं तो वो स्पीड किसकी है, पार्टिकल की या फिर वेव की? दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है, ये हमारी वेव की स्पीड है। अच्छा, वेव की स्पीड को क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस स्पीड से? क्लियर बात है सभी को? बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी हमने समझ लिया कि वेव का आखिरकार मतलब ही क्या है, एनर्जी को ले जाने वाला, ठीक। जो बेसिक बेसिक बातें आप, तुमने एक 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये 9th क्लास से ही फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हो, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा या एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको थोड़ा सा जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का आखिरकार मतलब है क्या। देखो हमने सिर्फ एक इतना पार्ट बनाया हुआ है, यहां पर हमने पकड़ा, ठीक है, इस जगह पर, और हमने इसको झटका दिया है, इसको झटका देने पे कितने लूप बने, एक दो, एक और दो। एफ होता क्या है कि एक सेकेंड में जितने भी लूप या जितने भी वो पूरे पूरे रिवोल्यूशन करता है, फ्रीक्वेंसी हम उसको बोलते हैं, कि एक सेकेंड में जितने भी उसने लूप बनाए या जितने भी उसने कन्वर्टिंग करी, जितने भी उसने वाइब्रेशन साथ साथ में की, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, लेमडा क्या होता है, लेमडा क्या हुआ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो सोच जरा, एक दिमाग लगा के सोचो, यहां से तुमने ऐसे झटका दिया तो ये झटका ऐसे बना, ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा पार्ट, तो एनर्जी जो यहाँ थी वो यहाँ पहुंच गई या नहीं पहुंच गई, पहुंची कि नहीं पहुंची, पहुंच गई ना एनर्जी। तो वेवलेंथ की जो तुमने बुक से पढ़े एक डेफिनेशन अगर हम देखें तो वेवलेंथ आखिर है क्या, वेवलेंथ वो डिस्टेंस है जो एनर्जी हमारी किसी फिक्स समय में कहीं से कहीं ट्रांसफर हो गई,
जो एनर्जी हमारी किसी फिक्स समय में कहीं से कहीं ट्रांसफर हो गई, वो डिस्टेंस हमारी वेवलेंथ कहला रही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का तुमने एक रिलेशन पढ़ा है F1/T, सब जानते हैं, और इसकी यूनिट यूनिट भी सब जानते हो कि यूनिट इसकी हर्ट्ज पर सेकंड वगैरह जो कुछ भी होती है। अच्छा, वेवलेंथ जो तुमने लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम कौन सा, टाइम पीरियड, तो लैम्डा इज इक्वल टू वीटी आ गया। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू वीटी। अच्छा, टी को तुम क्या लिख सकते हो, 1/m, तो लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया v/f, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाता है, f लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ऑप्टिक्स में ये सारी चीजें तुम्हारी यूज होंगी। हम क्या पढ़ना चाहते हैं, कहां पर पहुंच रहे हैं, सारी चीजों का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। तो ये वेव की पहली तुमने बेसिक बेसिक बातें सीखी, एनर्जी और साउंड, साउंड लाइट, ये सारे एक फॉर्म है किसके, एनर्जी के। पहली बात, एनर्जी को लेकर के जाने वाला कौन होता है, वेव। वेव की एक स्पीड होती है, अगर हमने ऐसे स्पीड रिप्रेजेंट करी तो वो वेव की स्पीड है, ना कि पार्टिकल की। अब मेरे क्वेश्चन का सिंपल सा रिप्लाई दो, हमने ऐसे झटका दिया, इस तरीके से ऐसे झटका दिया, ये झटका देने में हमारा हाथ कौन सा मोशन कर रहा है, SHM कर रहा है, हमारा हाथ SHM कर रहा है, ध्यान रखना। और तुम्हारे इस हाथ के SHM कराने पर ही वेव बन रही है, तुम्हारे इस हाथ के SHM कराने पर ही वेव बन रही है। रस्सी वस्सी हो तो बड़ा मजा आता है देखने में। तो ये जो तुम्हारी SHM मतलब फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्या सोर्स पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, जो तुम ऐसे करने लगो तेज तेज, तो फ्रीक्वेंसी, तो ये पॉइंट लिख लेना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। अच्छा, जो वेव की स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर। तुमने अभी देखा था, हम कह रहे हैं कि एक हाथ में टाइट रस्सी और एक हाथ में लूज रस्सी, दोनों को ही हम एक ही स्पीड से कराएं, फिर भी टाइट वाली एनर्जी पहले पहुंचेगी और ये देर में पहुंचेगी। तो मतलब जो स्पीड ऑफ द वेव है वो किस पर डिपेंड कर रही है, मीडियम पर। ठीक है, तो इतने में तुमको जो कुछ भी लिखना हो जल्दी लिखो, हम 25-30 सेकंड तुमको दे रहे हैं लिखने के लिए, जल्दी जो कुछ भी तुमने सीखा अपने शब्दों में जल्दी लिखो। कौन कौन सी, कौन कौन सी, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल, एक तुम्हारी वेव होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, एग्जांपल किसका, जल्दी बोलो यार, साउंड। नॉन मैकेनिकल के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, एग्जांपल बोलो लाइट और ये तो एक टाइप का हम, मतलब बेसिकली वेव जब पढ़ते हैं इन डिटेल, जब भी तुम हायर क्लासेस में जाओगे तब यहीं से स्टार्टिंग होगी पढ़ना। क्या हुआ, ओ सॉरी, ईएमडब्ल्यू, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, जब तुम बहुत हायर क्लासेस में जाओगे या बिल्कुल बेसिक जब पढ़ते हैं तो पहले यही दोनों पार्ट सिखाए जाते हैं पहली बार। फिर इसके बाद जो वेव के टाइप उनको पढ़ाए जाते हैं, जो हमें पढ़ाए जाते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, हमें पढ़ाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। बताओ जल्दी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अगर वेव हमारी ऐसे चल रही है तो जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है वो उसकी डायरेक्शन के अलोंग ही होता है, और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या है, साउंड। ठीक है, मतलब वेव की स्पीड और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की जो स्पीड है उनके बीच में एंगल हम या तो 0° बोल सकते हैं या 180° बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स के केस में देखो क्या है, ट्रांसवर्स के केस में वेव जिधर चलती है जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो कितने एंगल पर होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों तुम लिखना। इसके बाद अगर हम बात करें ईएमडब्ल्यू की, जो कि हमें बेसिकली पढ़ना है,
हर एक चीज का सोर्स जो है लाइट, और लाइट बेसिकली EMW। तो हमें EMW अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। तुम 12th क्लास में जब पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स पे आओगे तो उससे पहले EMW तुम पढ़ चुके होगे, इसीलिए हमें थोड़ा सा EMW बताना जरूरी है। नहीं बताएंगे तो फिर ये नहीं तुम्हें समझ में आएगा कि हम आखिरकार वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो EMW की अगर हम बात करें तो EMW की दो प्रॉपर्टी तो तुमको यहीं से दिख गई। पहली प्रॉपर्टी, EMW कैसी टाइप की वेव है? नॉन मैकेनिकल। और कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स। बहुत अच्छा। तो इसको हमने लिख लिया, ये नॉन मैकेनिकल है और ट्रांसवर्स। अच्छा, अब देखो होता क्या है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक वेव है जिसका दो पार्ट, एक पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पार्ट है उसका मैग्नेटिक फील्ड। एक पार्ट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। और बड़ी दुविधा की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सब एक साथ में है, हमें अलग अलग पढ़ाया जाता है, मजबूरी है, क्योंकि तुमने देखा है अपने अकेले में ही वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो साथ में तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुम कितना इमेजिन कर सकते हो कितनी होगी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट करके पढ़ाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट करके पढ़ाई जाती है। EMW का एक रत्ती भर सा चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में, बहुत छोटा सा। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में सब जगह जो हम देखते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, सारी चीज़ें वो हमारी EMW पे बेस्ड हैं, सारी की सारी चीज़ें। तो EMW में होता क्या है, पहली बात, EMW भी अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, एनर्जी के सोर्स में वहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, दो चीज़ें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। अब ये होते कैसे हैं, देखो ये होते इस तरीके से हैं कि अगर तुम सोचो कि EMW हमारी ऐसे चल रही है, इस तरीके से, अगर ये EMW हमारी इस तरीके से चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, मतलब एक परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरीके से होगी, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस पे टर्म में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी EMW मूव कर रही है। कहने का मतलब अगर हम तुम्हें बना के बताएं तो जैसे कि अगर ये मान लो तुम्हारी EMW है, ठीक है, तो EMW के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, थोड़ा हायर लेवल वाली बात है लेकिन समझ लो, प्रॉब्लम ये है, जैसे ये हमारी मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर ये हमारी डायरेक्शन है, चल रही है ऐसे, ठीक है, तो तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तुम्हें बनाना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। क्या हुआ यार, सभी को हो रहा है क्या? तो अगर ये हमारी EMW चल रही है तो पहली बार हमने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इसके परपेंडिकुलर होंगे, दोनों ही। तो समस्या ये है कि एक लाइन अगर ये चल रही है इसके परपेंडिकुलर, तुमको एक लाइन बनानी है तो वो इनफाइनाइट बन सकती है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे, तो हम बनाएं कहाँ? तो इसका तरीका ये होता है कि वेव के परपेंडिकुलर पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स करी जाती है। दो डायरेक्शन तुम्हारी ये फिक्स हो गई, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर अगर तीसरी एक लाइन बनानी है तो वो बनाना आसान है, तो वो बहुत हायर लेवल की बात है। लेकिन ये प्रोसेस होता है कि इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हम फिक्स करते हैं, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट फिक्स करते हैं। लिख लो इसमें जल्दी से जो लिखना है। परमिटिविटी ने तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते टाइम, मतलब कि ये एप्साइलन जो तुम देखते हो ना, इसको परमिटिविटी बोला था हमने, अगर एप्साइलन नॉट लिख दें तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लगता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, वैक्यूम की बात होने लगती है। सेम बिल्कुल इसी तरीके से तुम जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो परमिटिविटी आएगी, वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सब फील करो, हमें पहले भी समझ में आता है यार कि यार ये है क्या, क्या जरूरत है इसको लाने की, हम क्यों लेकर के आ रहे हैं। सोर्स बेचारा एक बैठा हुआ है सनलाइट, EMW उससे निकल रही है, ठीक है, EMW उससे निकल रही है, उस EMW के दो कंपोनेंट हैं, एक एप्साइलन नॉट और एक म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट, हालांकि एप्साइलन और म्यू ये नॉट लगाना फ्री स्पेस की बात हो गई, तो उसके दो चीज़, क्यों दो चीज़, क्योंकि EMW के दो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी भी हमें पता है कि कहाँ होती है, बिल्कुल मीडियम पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस मीडियम में चल रही है, वहाँ अगर मीडियम चेंज कर दें तो स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक जिसको तुम बोलते हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो EMW जिस स्पीड से चलती है, समझना ज़रा ध्यान से बात,
EMW की जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू तुमने सुनी होगी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर ये कैसे कैलकुलेट करी गई होगी, कोई बताएगा ये कैसे कैलकुलेट करी गई होगी? कोई बता सकता है? ये कैलकुलेट करी गई C = 1/μ0ε0, जहां एप्साइलन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है 8.85 समथिंग होती है, म्यू नॉट की भी एक वैल्यू फिक्स होती है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी आती है। और जो वैल्यू हमारी आई, जो किसकी स्पीड है, ईएमडब्ल्यू की, उस ईएमडब्ल्यू की स्पीड को ही हमने बोला कि वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये तो हमारी बात एक क्लियर हो गई कि ये बेसिक बेसिक बातें जो हमारी वेव से चले फिर हम पहुंचे EMW तक, क्योंकि एक एक वर्ड क्लियर हो तो अच्छा है। क्योंकि अभी तुम्हें एक नंबर का क्वेश्चन हम बताएंगे जो पूछा गया है, डिस्कवरी पे बहुत जगह दिखाया गया है, तो वो क्वेश्चंस भी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से क्लियर होते हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एक और बात करें, EMW की बात करी अगर हमने, अगर हम EMW की बात कर रहे हैं तो हमें फिर स्पेक्ट्रम की बात करनी पड़ेगी। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, मुलाना, डिमकाना, ये सब तो सुना ही होगा, सुना होगा ना? लाइट से जो चीज़ें आती हैं, जो लाइट से चीज़ें आती हैं वो सिर्फ विजिबल ही नहीं है, बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा पार्ट। हालांकि उसको भगवान ने डिवाइड करके नहीं किया, उसको हम इंसानों ने डिवाइड किया अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। रेडियो वेव रेडियो वगैरह में यूज़ होती है, माइक्रोवेव माइक्रोवेव वगैरह में यूज़ होती है, इन्फ्रारेड कहाँ, रिमोट वगैरह में इन्फ्रारेड यूज़ होती है, एक्सरे कहाँ यूज़ होती है, एक्सरे जितने भी मेडिसिन, गामा रेज कहाँ, कीमोथेरेपी में यूज़ होती है गामा रेज, ठीक है। तो अल्ट्रा यूवी लाइट कहाँ यूज़ होती है, स्किन डिजीजेस को देखने में, स्किन में। तो हमने उनको डिवाइड किया, मतलब देखो भगवान ने हमको सारी चीज़ें दी थी, लेकिन समय के साथ 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 हम कैपेबल हुए उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में। तो लाइट सिर्फ वही नहीं है, लाइट बहुत सारा एक स्पेक्ट्रम, और ये जितना तुम पढ़ते हो ना इसके अलावा भी कई सारी रेज हैं, इलेक्ट्रॉन रेज, हीट रेज, बहुत सारी रेज हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो हमारा बनता है, वो स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हमारे पास इधर हम लिखते हैं रेडियो, रेडियो वेव, फिर हमने लिखी माइक्रोवेव। किसी को याद है, किसी को पता है माइक्रोवेव के बाद क्या आएगा, क्या माइक्रोवेव के बाद कौन सा पार्ट आता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद यहाँ पर ये पार्ट, ये जो हमारा आ जाता है, ये कौन सा आता है? विजिबल, विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन मतलब वही तुम्हारा विप्योर वाला। तो एक उधर रेड इधर रहेगा या वायलेट इधर रहेगा, लेफ्ट साइड में कौन रहेगा, वायलेट या रेड? लेफ्ट साइड में रेड रहता है। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि रेड, इंफ्रारेड का रेड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ रेड से स्टार्ट होता है और ये वायलेट तक जाता है, और बीच के कलर्स तुमको पता है, वो तुम्हें सारे पता है, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर उसके बाद तुम्हारा आ गया विजिबल। विजिबल के बाद तुम्हारा आ जाता है यूवी, यूवी के बाद एक्सरे आ जाता है, फिर गामा रे, इसके बाद भी होते हैं, इसके इधर भी होते हैं, पर हमें वो नहीं, उसमें जाना ही नहीं है, ना इसके इधर जाना है ना इसके इधर जाना है। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये पार्ट, हमारे काम का ये पार्ट है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सरे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या माइक्रोवेव स्ट्रॉन्ग है, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? एक्सरे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा अगर कोई वेव स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो हम तुमसे कहें कि एक्सरे की एनर्जी ज्यादा है या माइक्रोवेव की एनर्जी ज्यादा है, तुम्हें पता है कि एक्सरे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस की ये भी बात है। अच्छा अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, क्लियर बात है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जब इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज करेगी। वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन पूछें,
माइक्रोवेव की स्पीड और गामा रे की स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? अबे स्पीड सबकी सेम होगी, लाइट के पार्ट में लाइट चल रही है, स्पीड सबकी सेम होगी। आने का था ना, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। रेडियो वेव की स्पीड क्या होगी, गामा रे की स्पीड क्या होगी? स्पीड तो सबकी सेम है, तो लाइट की एक बंडल के फॉर्म में सब चल रहे हैं, अलग अलग थोड़ी ना चल रहा है कि गामा अलग चल रहा है, एक्स अलग चल रहा है, फिर तो बड़ी आफत हो जाती है, फिर तो बहुत ही आफत हो जाए भाई। सब एक ही पार्ट में चल रहे हैं, एक ही बंडल में बन के चल रहे हैं। हाँ, अगर मीडियम हम अलग कर रहे हैं, हम रेडियो वेव को किसी मीडियम में ट्रांसमिट करें, एक्सरे को किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट करें, तो स्पीड वेरी कर जाएगी। लेकिन अगर एक ही मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो मीडियम की जो हमारी सब में स्पीड है सारी रेज की, वो वेव्स की कैसी रहेगी? सेम। तो यहाँ तुम देख लेना, स्पीड फॉर और एस सी, लाइट की स्पीड जिसको हम बोले, लिख लो इतना पहले सभी लोग, जो जो समझ में आए लिखते जाओ, ठीक है। तो चलो, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि जितनी भी सेंसेशन वाली बेसिकली चीज़ें हैं, साउंड लाइट, वो सब एक एनर्जी, उनको ट्रांसमिट कराने का काम किसका है? उनको ट्रांसमिट कराने का काम है वेव का। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि भैया वेव क्या है। वेव ऐसी खुराफाती चीज़ है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाती है, ठीक है। अब वेव चलती है, तो वेव के चलने के लिए कभी कभी मीडियम भी चाहिए होता है, कभी कभी मीडियम नहीं चाहिए होता है, डिपेंडिंग ऑन द करेक्टर ऑफ द वेव। तो हमें दो टाइप का करेक्टर मिला, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जिनमें हमें नीड हो मीडियम की, नॉन मैकेनिकल जिनमें नीड ना हो। मैकेनिकल का एग्जाम्पल साउंड, नॉन मैकेनिकल का एग्जाम्पल हो गया लाइट, EMW, ठीक है। फिर उसके बाद दो और करेक्टरिस्टिक बताई गई वेव की, या दो और टाइप के, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिसमें कि स्पीड हमारी जो लाइट की है, मतलब वेव की, और जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है, वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन, ये लाइट चल रही है और ऐसे 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 हमारे, सॉरी, ये वेव चल रही है और वाइब्रेशंस ऐसे हो रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स की बात करी, तो वेव ऐसे चल रही है और वाइब्रेशंस ऐसे हो रहे हैं 90 डिग्री। EMW की हमने बात करी, तो EMW किस टाइप की निकली, पकड़ो यहाँ की, नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स। अब EMW की बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसके भाई बहन सबका परिचय लेना पड़ेगा। तो EMW के कई सारे पार्ट निकल गया है, कई सारे। उससे पहले हमने ये देखा कि EMW जिस स्पीड से चलती है ना, उसी स्पीड को बोला गया कि ये स्पीड ऑफ लाइट, उसी स्पीड को। और इस स्पीड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, 1/μ0ε0 पूरे का अंडर रूट, ठीक है। और वो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3×10⁸ आ जाती है। फिर इसके बाद EMW के कई पार्ट समझ में आए हमको, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। विजिबल में इंफ्रारेड के बगल में रेड होता है, ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 3800 से स्टार्ट होता है रीजन और 7600 तक जाता है। तो हालांकि कई सारी बुक में अलग अलग बहुत सारा लिखा रहता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद विजिबल के बाद यूवी आ गया, यूवी के बाद एक्सरे आ गया, एक्सरे के बाद गामा। इनके बेसिक उनको यूजेस पता होने चाहिए, लेकिन हम इनको कहाँ पढ़ेंगे, जब हम ये रेगुलर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, अब देखो, हम इसके बाद पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है ये विजिबल, जो हमको दिखता है। तो मतलब तुम हमसे कोई पूछे कि यार तुम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स में पढ़ क्या रहे हो, क्या पढ़ना क्या है, तो पहला रिप्लाई ये होता है कि EMW का वो पार्ट जो विजिबल है वो क्या कहलाता है, लाइट। लाइट की बेसिक डेफिनेशन, हम इतनी चर्चा, पूरा कुरान तुमको ना समझाते, पूरी गाथा ना बताते, तुम ना समझ में आता, या तुम लाइट की डेफिनेशन, अगर तुम बुक में मिलनी नहीं लाइट की डेफिनेशन, क्या है लाइट, तुम ऐसे सब कहीं सब एक दे देंगे, हाँ लाइट सीधी रेखा में चलती है, लाइट ये करती है, लाइट वो करती है, लाइट टिकटॉक बनाती है, फलाना ढिमकाना सब मिल जाएगा। लेकिन बेसिक हमें नहीं पता कि लाइट यार है क्या। EMW का वो पार्ट जो विजिबल होता है वो लाइट कहलाता है। और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की या विजिबल रीजन की स्टडी करते हैं वो ऑप्टिक्स कहलाता है, ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इसको अपने शब्दों में अभी लिखना, अभी नहीं लिखना, लिखो तुम लिखोगे, ठीक है, अपने आप। तो EMW का वो पार्ट, हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, फारसी में लिखो, हमें कोई मतलब नहीं है। EMW का वो पार्ट जो विजिबल है वो लाइट कहलाता है, ठीक है। और इसकी स्टडी जहाँ भी हम करते हैं, वो पार्ट, वो ब्रांच हमारी फिजिक्स की ऑप्टिक्स कहलाती है, ठीक है। अब ऑप्टिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया, कौन कौन सी ब्रांच है जल्दी बताओ, आपको बता सकते हैं? रे और वेव ऑप्टिक्स। अब क्यों डिवाइड किया, इसका भी जरा कहानी सुन ले कि आखिरकार डिवाइड ही क्यों किया। तो पहली बात, ऑप्टिक्स जो है हमारी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको हमने बोला जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स,
जिसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, अच्छी बुक्स में ज्योमेट्रिकल भी तुमको यह लिखा हुआ मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। अगर मेरी बात समझो, समझना मेरी बात को, कि तुमने क्या किया, तुमने अपने घर में एक रखा बड़ा सा एक कार्डबोर्ड या पेपर का कोई शीट ले ली, कोई भी शीट ले ली पेपर की, देखिए ये बड़ा होल किया तुमने उसमें, हाँ ना, जिसमें तुम्हारा खोपड़ी इधर उधर निकल जाए, और तुमने ये बड़ी टॉर्च लगाई उसके सामने, ठीक है। अब तुम उसके सामने टॉर्च रखो और उस होल से लाइट पास करो, तो तुमको जितनी स्पेस से वो लाइट गई उतने स्पेस उधर दिखाई देगा, लाइट उतने में कहीं प्रोजेक्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हम इसी होल को छोटा करते जाए और छोटा, इतना छोटा मतलब इतना छोटा, छोटा छोटा का मतलब कितना, वेवलेंथ के टर्म में छोटा कर दें, तो पता क्या होता है कि वो जो लाइट उस होल से पास होती है ना, वो फिर वो होल नहीं दिखती, फिर वो कई सारे पैटर्न में डिवाइड हो जाती है, मैक्सिमा, मिनिमा, सेंट्रल फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो मतलब दो ब्रांच जो बनाई गई ना, वो दो ब्रांच किस तरीके से बनेगी, समझ में बात। पहले हमने किया था बड़ा सा होल और उससे लाइट निकाली, छियों एकदम, जब हमने लाइट निकाली ना उससे, तो वो लाइट पूरी पूरी चली गई। मतलब अगर हमने लाइट के पाथ में आने वाला ऑब्स्टेकल बड़ा रखा है तो हमको चीज़ें दिखाई देंगी, हम उनको देख सकते हैं। बड़ी सी दीवार है, बल्ब लगा दिया, बल्ब से लाइट निकली, रिफ्लेक्ट हुई, टकरा के सबको दिख गया उजाला उजाला। इतना बड़ा पार्टिकल अगर उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो तुम्हें कुछ नहीं दिखना, तुम्हें कुछ नहीं दिखना, वहाँ लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट अपना बिहेवियर ही पूरा बिहेवियर चेंज कर देगी लाइट। लेकिन अगर हम वही ऑब्स्टेकल अगर छोटा सा कर दें, रत्ती भर का, वेवलेंथ के टर्म में अगर हम उसको कर दें, तो भाई लाइट कहती है अब मैं अपना व्यवहार चेंज कर दूंगी, तूने मेरे साथ धोखा किया। तो जो ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स है ना, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कब हम स्टडी करते हैं, जब लाइट के पाथ में ऑब्स्टेकल जो हमारे आते हैं वो बिग बड़े और बिग, और यहाँ पर हमारे ऑब्स्टेकल जो होते हैं वो इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये इस पर लिख लेंगे हम, इसमें इंटरफेरेंस आ जाता है, डिफ्रैक्शन आ जाता है और पोलराइजेशन आ जाता है, ठीक है, पोलराइजेशन। और इसमें तुम बहुत भली भांति परिचित हो, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि तुमको इसका काका दादा भी नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है काका दादा इसका, उम्मीद रख, चलो उम्मीद रखते हैं कि तुम्हें इसका काका आगा आता होगा। स्पेलिंग आती है, हाँ क्या बात है लड़के, स्पेलिंग आती है, एहसान कर दिया तुमने मेरे ऊपर, स्पेलिंग आती है। देखो यहाँ पर, अब देखो ये पूरा है विजिबल, मतलब तुम इसको एहसास कर सकते हो, देख सकते हो इसको तुम, लेकिन तुम इसको देख नहीं सकते। ये यहाँ पर तुम्हारा चलेगा दिमाग, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। इंटरफेरेंस को बनाना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट क्यों है, हमने क्या बोला कि ऑब्स्टेकल होना चाहिए इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब सोचो जरा, विजिबल जो रेज होती हैं यहाँ से रेड से लेकर के हमारी जो कहाँ तक जाती हैं वायलेट तक, ये 3800 एंगस्ट्रॉम, समझ रहे हो, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब कितने मीटर हो गया ये। अब सोचो तुमने ऑब्स्टेकल इतना बड़ा बनाना है, अंकुश पाठक लेके बैठ गया एक बड़ा सा पत्थर और तरास रहा है उसको, तरास रहा है, सारे दोस्तों की शादी ब्याह सब हो गया, लड़के बच्चे भी हो गए, उस पाठक अभी भी ऑब्स्टेकल बना रहा है, कह रहा हम बना के छोड़ेंगे, इंटरफेरेंस कराएंगे। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फील करना डिफिकल्ट, हमने घर पे कई बार करने की कोशिश करी, हम कभी ऑफलाइन क्लास में जब पहुंचेंगे तो इसको बना करके देखेंगे, हो जाता है, पैटर्न समझ में आ जाता है, हमारे काम भर का हमको दिख जाता है, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट वैसा पैटर्न देखना इज डिफिकल्ट हमारे सबके लिए। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन, ये दोनों कहानी तो हमें पता ही है। तो तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब तुम इसको पहले लिख लो जल्दी, कितना टाइम बचा अभी, हाँ 10 मिनट है, इसको लिख लो जल्दी। पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, सारी विजिबल चीज़ों की करते हैं जो हमको दिख जाए, लैब में दिख जाएँ, हम यहाँ भी देख लें, सब जगह देख लें, जो हम चीज़ों को देख लें वो सारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। सारी चीज़ें, वो चीज़ें दिखती कैसी हैं, पहले तो यही एक क्वेश्चन हो गया कि चीज़ें दिखती कैसी हैं, हाउ टू विजिबल, भाई चीज हमें दिखेगी कैसे, कोई हम समझे, जैसे कि मेरे पास ये पेन है, हमने ये पेन उठाया, इस पेन का कलर है पर्पल कलर है, एक यार ये इतने कलर हो गए लाली लिपस्टिक के चक्कर में,
इतने कलर ये सारे होते हैं चक्कर में, और मैं बहुत पहले जिंदगी बड़ी आसान थी, इतने कलर नेल पॉलिश हो भैया, चले जाओ अगर कभी तो समझ में नहीं आता है ये कोई ना पूछना कि क्यों जाते हो सर। देखो यहाँ पर ये पर्पल कलर, ये पर्पल दिखता क्यों, ये पर्पल ही क्यों दिख रहा है, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पर अभी क्वेश्चन आएगा तुम्हें क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। इस पर पड़ी लाइट रे, ठीक है, लाइट में तो सारे कलर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या कोई भी जिसका उसका कलर है वो बाकी कलर्स को क्या करता है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर देगा बाकी कलर्स को, और इसका जो खुद का कलर है लाइट जो पड़ी उसमें से उस कलर को वो हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट कर देता। तो हमारी जो आंखें हैं वो तो फिर सर्वशक्तिमान है, हमारी आंखें जैसा चाहेंगी वैसा देख लेंगी, हमारे सेंसेशंस इसको देख लेते हैं कि हाँ भाई ये पर्पल कलर का है, तुरंत देख लेंगे हम। रेड कलर का पता लगा, हम कहीं बैठे हुए हैं हमें देखना है कि रेड कलर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, लाइट तो आएगी वाइट कलर की, वाइट कलर की लाइट है उस पर टकराई। अब वाइट में सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स हैं वाइट में, उस वाइट कलर की जो अंदर कलर्स हैं बाकी जो कलर्स हैं उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, रेड कलर का था उसने सारे एब्जॉर्ब कर लिए, इंडिगो फलाना ढिमकाना, इंडिगो 450, इंडिगो 320, पेंट वाली दुकान पर चले जाओ तो इंडिगो के तुमको 4000 कलर दे देगा, कहेगा भाई साहब लोग कौन सा सेलेक्ट करना है, और तुम सेलेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सा हमें पेंट करवाना है। अर्पित ने करवाया था, भी पता होगा अर्पित को, बहुत डिफिकल्ट सिलेक्शन होता है भाई साहब कलर चूज करना, दीदी ने कह दिया कि ब्लू करवाना है, तुम पहुंच गए पेंट वाली दुकान पे, अब दुकानदार से तुमने कहा हमें नीला कराना है, उसने एक सीट उठाई, भैया ये लो नीला, दो नीला, चार नीला, पांच नीला, दस नीला, बीस नीला, पच्चीस नीला, तीस, खड़े हो तुम। तो कलर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे व्हाइट लाइट उस पर टकराई बाकी सारे कलर्स को वो खुद में ऑब्जर्व कर लेगा, खुद में ऑब्जर्व करने के पास जो सिर्फ उसका कलर होगा उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। तो अब कितना समय हमारे पास होता है, 5 मिनट। अच्छा एक चलो पहले अच्छा एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे दो, उसके बाद एक तुमसे इंटरेस्टिंग बात पूछते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, ये डिस्कवरी वगैरह में ना, जब डिस्कवरी में भी बच्चों की क्लासेस वगैरह आती तो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अंधेरा कमरा, घनघोर अंधेरी रात का कमरा समझ लो, वहां पे एक नीला गुब्बारा लगा हुआ है और एक लगा हुआ है रेड, दो बैलून्स लगे हुए हैं, एक रेड लगा हुआ है और एक हमारा लगा हुआ है ब्लू, ठीक, और इस पे एक विजिबल लाइट हमारी जो है व्हाइट लाइट, ये लेजर इस पे ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, समझो ध्यान से, लाइट इसमें ट्रांसमिट करेगी, इसमें भी करेगी, ठीक, ध्यान से क्वेश्चन समझना। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, अच्छा ये जो लाइट कराएगी ना, ये रेड कराएगी, ये रेड लाइट, रेड कलर की लाइट इस पर भी ट्रांसमिट कराएगी, रेड कलर की लाइट इस पर भी ट्रांसमिट, कोई जवाब नहीं देगा पहले पाप पड़े होता है माता जी पाप देंगे। पहला ऑप्शन तुम्हारा है कि बोथ विल कटे साइमल्टेनियसली, ठीक है, बी ऑप्शन ब्लू पहले दम तोड़ देगा, सी ऑप्शन रेड पहले दम तोड़ देगा, और डी ऑप्शन है हमारा कि वो डेटा इनसफिशिएंट, कोई बोलेगा नहीं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चलो बताओ ए पार्ट के साथ कौन कौन है, जल्दी बताओ ए पार्ट के साथ कौन कौन है, कोई नहीं, इतना इतना पार्शियलिटी है। बी पार्ट के साथ कौन, अच्छा ए पार्ट के साथ पाठक है अपना, बी पार्ट के साथ कौन कौन है, सन्नाटा, सी पार्ट के साथ कौन कौन है, आवाज ही आई, सी पार्ट के साथ बहुत लोग हैं, अच्छा कोई है जो अपना डी पार्ट के साथ, अच्छा बी पार्ट के साथ कौन कौन है, फिर से एक बार पूछ ले, अनुज का कहना है बी पार्ट, बी के साथ मेरा सक्षम भी है, वाह बेटा, अरे डी पार्ट भी कोई है, डी पार्ट कोई अंग्रेज न्यूजीलैंड वाला, चल भाई आंसर इसका होगा ऑप्शन से ब्लू पहले दम तोड़ देगा, कैसे देख यार बात समझ, यहां भाई रेड कलर गया,
अभी अभी तुमने प्रॉपर्टी क्या सीखी थी, मतलब अभी सीखी हो अभी जवाब नहीं दे पाए, चुल्लू भर पानी बारिश हुई है कहीं बाहर लेट ना जाके हो ना डुबो रहना रोड पे जब तक प्राण ना निकल जाए। अभी तुमने प्रॉपर्टी सीखी कि जो कलर होता है वो अपने कलर को क्या कर देता है, भगा देता, चलो तुझे नहीं एंट्री मिलनी, और दूसरा कलर आता है तो बिठा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो ये रेड आएगा, ये रेड की लाइट रेड पे आएगी तो क्या ये रेड इसको एब्जॉर्ब करेगा या भगा देगा, क्या करेगा, भगा देगा। लेकिन ये जो ब्लू है ये रेड को खुद में संभालेगा, बेटा आ जाओ, तो आने पे इसकी एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जब खुद को समाये ले रहा है अपने आप में, कौन पहले फटेगा भाई, ब्लू वाला शहीद हो जाएगा। घर पे करके देख लेना इसको तुम, ग्रीन लेजर लाइट आसानी से मार्केट में मिल जाती है, ग्रीन लेजर लाइट को लगाना, एक ग्रीन बैलून लगाना, एक ब्लू लगाना, ब्लू वाला पहले दम तोड़ देगा, ये चीज करके देखना। चलो अच्छा, मिलते हैं कल, कल से हमारा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अभी इसका एक दो क्वेश्चन और बेसिक बेसिक सी बातें बची हुई हैं, तब तक ख्याल रखो, पढ़ते रहो।